दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। धोनी मैदान पर बेहद कूल रहते हैं, इसी वजह से उनका नाम ही कैप्टन कूल पड़ गया। लेकिन उनकी कप्तानी में खेले कुलदीप यादव को एक बार धोनी के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा था। जतिन सपरू के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव में कुलदीप ने खुद ये बात बताई। कुलदीप ने बताया कि श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने माही की बात नहीं सुनी तो इसको लेकर वो उन पर भड़क गए। कुलदीप ने कहा, कुशल परेरा ने मेरी गेंद पर कवर एरिया में चौका लगा दिया। धोनी भाई विकेट के पीछे से मुझ पर चिल्लाए और मुझे फील्डिंग बदलने के लिए कहा, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अगली बॉल पर फिर से परेरा ने रिवर्स स्वीप के साथ चौका मार दिया। कुलदीप ने बताया कि जब लगातार दो गेंदों पर दो चौके पड़े तो माही का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने बताया, इसके बाद धोनी गुस्से में मेरे पास आए और बोले, मैं पागल हूँ, 300 वनडे खेला हूँ और समझा रहा हूँ। हालांकि उस ओवर में धोनी के समझाने के बाद कुलदीप ने बताया कि उस वक्त वो घबरा गए थे, लेकिन मैच के बाद उन्होंने धोनी से जाकर बात की और पूछा कि क्या उन्हें कभी गुस्सा भी आता है। जवाब में धोनी ने कहा था, 20 साल से गुस्सा नहीं किया है, इंडिया के लिए खेलते हुए मुझे दो या तीन बार ही गुस्सा आया। हालांकि अब मैं ये बात समझ गया हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, डांटता हूँ। 22 दिसंबर 2017 को इंदौर में खेले गए उस T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने 43 गेंदों में 118 रन बनाए थे, जिसकी मदद से इंडिया ने इस मैच में 260 रन बनाए थे। ये इंडिया T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में श्रीलंका की टीम 17.2 ओवरों में 172 रनों पर ही सिमट गई थी। उस मुकाबले में कुलदीप यादव को बहुत मार पड़ी थी, उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में कुल 52 रन दिए थे। ये स्टोरी की थी हमारे साथी विपिन ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।